नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित नीरज जगदीश शास्त्री आपको बताऊंगा आपका आज के दिन का पूरा हाल, यानी कि आपका दैनिक राशिफल। मित्रों, आज दिनांक 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार है। सबसे पहले देख लेते हैं आज की जो ग्रह स्थिति है वो कैसी है। मित्रों, आज सूर्य, गुरु व शुक्र मेष राशि में है, केतु कन्या राशि में है, चंद्र वृश्चिक राशि में है, शनि कुंभ राशि में है और मंगल, बुध व राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एक नज़र डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज नक्षत्र ज्येष्ठा है, तिथि कृष्ण पक्ष की तृतीया है, करण विष्टि है, योग परिघ है। सूर्य गोचर कर रहे हैं मेष राशि में और चंद्र गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। राहु काल रहेगा सवेरे के 9:09 से 10:47 तक। राहु काल में कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:48 से 1:12 तक। कोई भी ऐसा शुभ कार्य जिससे हमको लंबे समय तक लाभ लेने की अभिलाषा हो, ऐसा शुभ कार्य हमको अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। दिशाशूल पूर्व की तरफ रहेगा, पूर्व की तरफ यात्रा करने से बचें। अगर मजबूरी है पूर्व की तरफ यात्रा करनी ही है तो अदरक खाकर पूर्व की तरफ लंबी दूरी की यात्रा हम लोग कर सकते हैं। मित्रों, राशिफल प्रारंभ करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। आज थोड़ा तनाव आपके मन पे रह सकता है, कुछ नेगेटिव थॉट्स मन में आ सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपको कोई लंबा चलने वाला रोग है, जैसे डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर या स्किन बोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको आज थोड़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोई छोटा मोटा सीजनल रोग भी आपको तंग कर सकता है। बिना वजह की कोई भी चिंता, तनाव या डर मन में आ सकता है। आप अगर टूरिंग जॉब में हैं तो हो सकता है आपको कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़े। आप टूर में अपने स्वास्थ्य का और वाहन सावधानी से चलाएँ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अकेलेपन की भावना से दूर रहें, घूमें फिरें, प्रकृति का आनंद लें। आपके जो जीवन साथी हैं उनका परिवार आपसे कुछ इंटरेक्शन कर सकता है जो कि पॉजिटिव रहेगा। वर्क प्लेस में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं जो आपको समय रहते दूर कर लेने चाहिए। आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। वृषभ राशि, जीवन साथी के साथ आपका सहयोग रहेगा, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, संबंध मजबूत होंगे, इनकम बढ़ेगी और इनकम के कुछ नए और अच्छे सोर्सेज आपको मिलेंगे। आमोद प्रमोद में, मौज मस्ती में आज का दिन बीत सकता है। सोशल लाइफ आपकी पीसफुल और हार्मोनियस बनी रहेगी, कुछ नए और अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बिजनेस आपका इम्प्रूव होगा। और अगर आप जीवन साथी की तलाश में थे या आप अपने लिए बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे थे तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। आप जो भी कोशिशें कर रहे हैं अपने लिए, परिवार के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें आप सफलताएँ अर्जित करेंगे। यात्रा कुछ प्लान कर रखी है जरूर कर लें, यात्राएं आपके लिए सुखद व लाभप्रद रहने की पूरी संभावना है। आज का दिन आपके लिए 85% अनुकूल है, शुभ अंक 6 है, शुभ रंग गुलाबी है। मिथुन राशि, फैमिली लाइफ आपकी पीसफुल और हार्मोनियस बनी रहेगी, रिश्तेदार आपको सपोर्ट करेंगे, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिल सकती है। बिना बात का कोई भी डर मन में नहीं आने दें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा मर्यादित व्यवहार बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका कोई झगड़ा चल रहा था, कोई मुकदमा था, तो उसमें कुछ अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके एनिमीज़, आपके अपोनेंट्स एक्टिव रहेंगे लेकिन आपको कोई नुकसान फिलहाल नहीं कर पाएंगे। आप लोन लेने की सोच रहे थे तो पेपर वर्क रेडी करें, आपको लोन मिलने की संभावनाएं हैं। आर्थिक योजनाएं जो आपने चला रखी हैं अपने लिए, परिवार के लिए, उसमें आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब फ्रेंड भी अच्छा रहेगा और जीवन साथी के साथ भी संबंध आपके मधुर बनेंगे। आज के दिन आपके लिए 80% अनुकूल है, शुभ अंक 5 है, शुभ रंग हरा है। कर्क राशि, बिना बात की चिंताएं कुछ मन में आ सकती हैं, बिना बात की आपको परेशान कर सकती हैं। आपको इस तरह की तनाव वाली स्थितियों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखनी है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में मन लगने की संभावना कम दिखाई दे रही है। आपको अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिल सकें। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पर ध्यान दें। वर्क प्लेस पर बहुत सारा काम एक साथ पकड़ लेंगे तो कोई काम पूरा नहीं होगा। अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और उसको पूरा करें।
संतान को रिलेशनशिप का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसके साथ बैठें, बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुलझाएं। बिजनेस में जैसा आपने सोचा है वैसा प्रॉफिट नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, मन को उदास ना करें। अगर आप ललित कला के फील्ड में हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग या स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, तो आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपको कोई नौकरी की तलाश थी तो अपने किसी मित्र की मदद से आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, लेकिन आपको इस ऑफ़र पर जंप करने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग से या जानकार से सलाह ले लेनी चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी बहुत अच्छा समय नहीं है, 2-4 दिन शेयर मार्केट से दूरी बना करके रखें। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है, इसको और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। सिंह राशि, कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं जो आपको अगर समय रहते नहीं सुलझाया गया तो बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। माता के आशीर्वाद की आज आपको ज़रूरत पड़ेगी। माता के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी बहुत अच्छा समय नहीं है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप बहुत अच्छे से जांच परख कर लें। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई ज़मीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप देखें, पसंद करें, लेकिन कोई पैसे का लेन देन अभी ना करें। सेहत आपको परेशान कर सकती है, अपने किसी रिश्तेदार के साथ आपका विवाद भी हो सकता है, आपको इस तरीके के विवादों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। पेट के रोग हो सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन संबंधी मामलों में बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना है। अगर कहीं पर किसी सौदे के बारे में शक है तो आप पैसे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया तुरंत देने से आपको बचना चाहिए। आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है, इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। कन्या राशि, आपके दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन सभी आपकी मदद करेंगे, आपके बहुत काम आएंगे। पराक्रम बढ़ चढ़ कर रहेगा, साहस भी आपका अच्छा रहेगा। आपके सभी शत्रु आपसे हार मानेंगे। वर्क प्लेस पर आपने जो अच्छे काम किए हैं उनकी तारीफ होगी। भाई बहन विशेष रूप से आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रहेंगे। धैर्य बना करके रखिए, आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, भले ही देर से मिले। सेहत सुधरेगी, संबंधों में सुधार आएगा। सांस से संबंधित कुछ समस्या है तो थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। छोटी दूरी की यात्राएं आपने जो प्लान कर रखी हैं प्रियजनों के साथ, वो आप कर लें। उससे आपके एक तो प्रियजन आपके निकट आएंगे, दूसरे आपको उससे लाभ भी होगा और अच्छा भी लगेगा। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है, शुभ अंक 5 है, शुभ रंग हरा है। तुला राशि, सोशल लाइफ थोड़ी सी डल रह सकती है आपकी, बहुत ज़्यादा हैपनिंग लाइफ नहीं होगी। पैसे के मामले में आपको बहुत सावधान रहने की सलाह दी जाती है। विचारों में उतावलापन रह सकता है, आप अपना पैसा किसी गलत जगह लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप दोस्तों की सुनेंगे या परिवार की सुनेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। अपनी वाणी पर संयम रखना है आपको, किसी व्यक्ति के बारे में कोई अभद्र बात नहीं करनी है। यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, अगर यात्रा करते हैं तो अपने सामान का अच्छे से ध्यान रखें, चोरी होने की संभावना हो सकती है। आपको आंखों में कुछ परेशानी हो सकती है, ENT के डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अपनी सेहत का ध्यान दें। पैसे का फ्लो जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। अपनी वाणी पर तो संयम रखना ही है, साथ के साथ जो प्रेमीजन है उनको भी सलाह दी जाती है कि कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे कोई भी गलतफहमी का वातावरण पैदा हो। आज का दिन आपके लिए 60% अनुकूल है, इसको अगर और अनुकूल बनाना चाहते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए मजेंटा रहेगा। वृश्चिक राशि, आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। आपका बहुत सारा समय अपने किसी ऐसे कार्य पर खर्च हो सकता है जिसको करने से आपको बहुत आनंद आता है, आपको खुशी होती है। आप अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए या अपने ऑफिस के सहकर्मियों के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप उनके साथ घूमने जा सकते हैं, आप उनके साथ आउटिंग कर सकते हैं, कुछ मौज मस्ती, सैर सपाटा आप कर सकते हैं। आपके जो प्रेमी हैं, जो प्रेमिका हैं, उनका लव और अफेक्शन आपको मिलेगा। आत्मबल आपका बढ़ेगा, आपका स्वभाव अच्छा होगा। दोस्तों का, जानकारों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आपका जो बुद्धि है, अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिल सकती है। आप अगर बैचलर हैं और आपकी गृह दशा सपोर्ट कर रही है तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ के साथ आप देखेंगे कि ये एक अनुकूल समय है और एक सुखकारक समय है, इसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। आज का दिन आपके लिए 90% अनुकूल है, शुभ अंक 9 है, शुभ रंग गेरुआ है। धनु राशि, जीवनसाथी के साथ बिना वजह के तनाव वाली स्थितियां पैदा होने से बचें, क्योंकि जीवनसाथी के साथ अगर आपका विवाद होगा तो आपका पूरा दिन खराब हो सकता है।
एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, उसका भी तनाव रहेगा और इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बिगड़ सकता है। आप कोशिश करें कि अपने जो शत्रु हैं उन पर नज़र रखें, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोई पुराना रोग उभर सकता है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। विशेष रूप से अगर आँख से संबंधित कोई परेशानी है तो ये आपको ज़्यादा तंग कर सकती है। वर्क प्लेस पर आपके जो कोवर्कर्स हैं, हो सकता है उनके साथ आपकी आज उतनी अच्छी ट्यूनिंग सेट ना हो, आप किसी के साथ विवाद में ना पड़ें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको नींद ठीक से लेनी है, अगर आप ठीक से नींद नहीं लेंगे तो आपको आपका जो स्वभाव है, आपका स्वास्थ्य है, उस पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। विदेश से संबंधित कोई काम बहुत दिन से रुका हुआ था, आज आप विशेष प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए 65% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। अगर दिन को और अच्छा बनाना है तो मंदिर में पीले फलों का दान करिए। मकर राशि, आपके विचारों में स्थिरता आने लगेगी, आप परिस्थितियों को पहले से बेहतर समझेंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी, आपकी वेल्थ बढ़ेगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, संपत्तियों का आपको लाभ हो सकता है, आप कुछ मकान खरीद सकते हैं या कोई बड़ा वाहन आप खरीद सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से आपको लाभ होगा। आपके सबॉर्डिनेट्स, कोवर्कर्स, आपके बॉसेस सभी आपकी मदद करेंगे। शत्रुओं को हराने की आपके अंदर विशेष हिम्मत रहेगी, साहस रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपकी सफलता में विपरीत लिंग की भूमिका दिखाई दे रही है, अगर आपको इस तरह का कुछ इंटरेक्शन होता है तो वो आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। आज का दिन आपके लिए 90% अनुकूल है। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग काला है। कुंभ राशि, अगर कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में बहुत दिन से सोच रहे थे, प्रयासरत थे, आज विशेष प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, बिजनेस आपका इम्प्रूव होगा। आप कोई यात्रा करना चाहते हैं बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, वो सफल रहेगी। आपके जो हायर अप्स अथॉरिटीज़ हैं वो आपके काम से खुश होंगे, प्रशंसा होगी आपकी। आज आप पूरे दिन चीयरफुल और एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके कामकाज का दायरा बढ़ाया जा सकता है, आपको कोई नया काम दिया जा सकता है, आपकी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी इम्प्रूव होंगी। सरकार से, उच्च अधिकारियों से कोई काम कराना था, आज प्रयास करें, सफलता मिल जाएगी। दोस्तों का और परिवार के लोगों का सहयोग आपको यथावत मिलता रहेगा। आज का दिन आपके लिए 85% अनुकूल है। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग काला है। मीन राशि, बॉडी में थोड़ी वीकनेस फील हो सकती है, मन में आलस भरा रह सकता है, भाग्य के भरोसे ना बैठें, मेहनत करें, अन्यथा आपको लॉस हो जाएगा। धर्म कर्म में, तीर्थ यात्रा में, ईश्वर भक्ति में मन लग सकता है, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे तो अच्छा रहेगा, गुरु से मुलाकात करके उनसे आशीर्वाद लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। आप में से कुछ जातकों को किसी सामाजिक समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है, वो भी एक आपके लिए अच्छी आउटिंग रहेगी। पिता का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन रहा है, इस पर ध्यान दें, पिता के ही साथ या किसी उच्च अधिकारी के साथ कुछ विवाद वाली स्थितियां बन सकती हैं, इसको टालने की कोशिश करें। दान पुण्य जितना करेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए 70% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आप बनाना चाहते हैं तो 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए बसंती है। मित्रों, ये था हमारा आज का राशिफल कार्यक्रम सभी 12 राशियों के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे लाभ प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ जगदम्बा।